अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको कमीज़ की लंबाई बड़ी करने के लिए बॉर्डर लगाएंगे और इसके साथ डोरी पाइपिंग भी लगाएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। देखिए हमने बॉर्डर दो पीस थे बॉर्डर के, तो एक पीस को अलग करके हमने एक पीस के ऊपर पाइपिंग लगा लेनी है। एक पीस के ऊपर हमने पाइपिंग को अटैच कर देना है। जब दो पीस लगेंगे बॉर्डर के लिए, दो पीस लगेंगे, एक पीस पर हमने पाइपिंग को अटैच कर देना है। साथ डोरी वाली पाइपिंग है ये, हमने बॉर्डर की लंबाई जो है अपने घेरे के हिसाब से ली हुई है, तो चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखें। जितनी आपने आपको कमीज़ की लंबाई लंबी करनी है, चौड़ाई आप उस हिसाब से रखें। और ये देखें, ये लगाने के बाद हमने कट कर लेना है। ठीक है, ये कटिंग कर लिया आपने। अब दूसरा पीस लेना है इसका, दूसरा पीस लेना है अब आपने इसका। ये दूसरा पीस आ गया, ये दूसरा पीस आपने अटैच करना है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं अटैच करना, ये गलत अटैच हो रहा है। आपने क्या करना है, अभी रुकें, इसको पलट कर आपने यहाँ पर भी नहीं, इसको थोड़ा अंदर वाली साइड पे अटैच करना है आपने, ये यहाँ पर। ठीक है, सिलाई की पैपिंग डोरी लगाई हुई है, अब सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लें आप। यहाँ पर अटैच करके आप इसको सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लें। जो हमने सिलाई लगाई है, इस सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगा लें। हमारी पाइपिंग अंदर चली जाएगी, ये जो फालतू कपड़ा नज़र आ रहा है फॉल पट्टी बन जाएगी। ले वीडियो को लास्ट तक वॉच क्या करें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने जानने वालों में जो है वो शेयर भी किया करें। ये देखें हमने ये जो लगा ली है फॉल, अब ये पाइपिंग का कपड़ा आपने फालतू जो है वो कटिंग कर देना है। पाइपिंग का फालतू कपड़ा कटिंग करने के बाद आपने फॉल पट्टी बना लेनी है इसकी। ये देखें इस तरह से हमारी ये पलट जाएगी। ये देखें, ये हमारी पाइपिंग नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी पाइपिंग। ये देखें, अब इसको आप बिठा लें फॉल पट्टी को। देखें फॉल पट्टी हमने बिठा ली है इस तरीके के साथ। ये पाइपिंग हमारी दोनों साइडों से पाइपिंग हमारी गुम हो गई है। ठीक है, अब ये फॉल पट्टी हमने बिठाई हुई है, अब आपने अपने घेरे के साथ इसको जो है वो अटैच कर देनी है। ये देखिए आपने फॉल पट्टी को ओपन करना है और घेरे के साथ आपने अटैच कर देनी है। आपकी जो शर्ट की लंबाई शॉर्ट थी वो भी लंबी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा ये बॉर्डर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है। फिनिशिंग के साथ जो है अपनी आपकी लंबाई भी लंबी हो जाएगी। ये जो पीस हमने जो लगाया है, ये कमीज़ की साइड में से जो पीस बचता है ये वो वाला पीस है, तो जिसको हमने फॉल पट्टी बनाकर अपने ड्रेस का जो है वो लंबाई को बड़ी कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लंबाई बड़ी कर लें, जितनी भी बड़ी करना चाहें आप आसानी से साथ बड़ी कर सकते हैं लंबाई, और पता भी नहीं चलेगा। और डोरी पैपिंग आपने लगानी है लंबाई में इसी तरह लगानी जैसे मैंने आपको लगा कर दिखाई है, इसी तरह लगाएंगे, काम में फिनिशिंग भी आएगी और बहुत खूबसूरत काम होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता रहूँगा ताकि आप टेलरिंग का काम जो है A to Z जो है वो सीख जाएं। और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगली वीडियो के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।